जय हिंद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी चालक भाइयों तक वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि मैं अभी जिम से आ रहा था, रास्ते से निकल रहा था, यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दिखाऊं आपको तो लाइन लगा के देखोगे तो टैक्सियां काफी सारी खड़ी हुई हैं, कम से कम 8-10 टैक्सियां हैं। और खान साहब ने मुझे बताया कि आजकल क्या हो रहा है, ये गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, जगह जगह पर गाड़ियों के चालान कर दिए जा रहे हैं, जो एप बेट कंपनियों में गाड़ियां चल रही हैं उनके 5 नंबर वाले चालान कर रहे हैं। और खान साहब ने मुझे ये भी दिखाया, चालान की फोटो भी दिखाई है और कुछ अखबार की कटिंग भी दिखाई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब आगे चल के बहुत ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जा साहब, आप भी गाड़ी चलाते हो, किस तरीके से आजकल आपको परेशानी आ रही है? वही परेशानी आ रही है, ऐप की परेशानी आ रही है, मतलब मारे हैं, एक तो रेट कम और दूसरा ऊपर से चालान 50,000 का 40,000 का चालान ही कट रहे हैं। अच्छा अच्छा, खान साहब क्या दिक्कत आई आपको? ये जो ऐप भेजा आपने, स्क्रीनशॉट दिया है मुझे, इसमें देखो साफ साफ लिखा है, पहले बताते हैं साहब, साफ साफ लिखा है जी इसमें, भाई साहब वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो पहले, क्योंकि किसी को नुकसान होना नहीं चाहिए, टैक्सी चालक भाई जो नुकसान होने से बच जाएंगे, क्योंकि जगह जगह हर नुक्कड़ पर 5 नंबर वाले लगे हुए हैं इस टाइम पे दिल्ली के अंदर, और वो पकड़ पकड़ के जो ऐप से कंपनी में, ऐप वाली कंपनियों में गाड़ियां चल रही हैं उनके पकड़ पकड़ के चालान कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या लिखा है चालान के अंदर, तो इसमें लिखा है जी, साफ साफ लिखा हुआ है, टैक्सी बुकेट थ्रू मेरू ऐप, टैक्सी बुकेट थ्रू मेरू ऐप एंड फेयर टू बी चार्ज विद आउट फेयर मीटर, यानी कि मीटर से अलग इसमें चार्ज लगा हुआ है, मीटर से चलोगे तो ही आप जो गाड़ी चला सकते हो, नहीं बिना मीटर के चलोगे। भाई साहब आपको भी दिक्कत आ रही है क्या ऐसी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश यादव है। अच्छा, तो ये जो इसमें जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ कहाँ पे इस तरीके के चालान किए जा रहे हैं? ये इधर द्वारका, हाँ, और इधर नेहरू पैलेस, अच्छा, और आपका इधर ITO, अच्छा, लक्ष्मी नगर, रोहिणी, अच्छा, पीतमपुरा, अच्छा, अच्छा, ये सारे जगह पकड़ रहे हैं। अच्छा, कैलाश गहलोत ने बोल दिया, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कैलाश गहलोत जी ने बोल दिया है, हाँ, बस आधारित टैक्सी नहीं चलेंगी। अब दिल्ली के अंदर सख्त कार्रवाई हो गई है, जो एग्रीगेटर कंपनियां विदाउट लाइसेंस विदाउट पॉलिसी उनमें गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, क्योंकि दिल्ली चाहती है कि गाड़ियां जो है मीटर से चलें, ऐसा ही है ना जी? जी, जी, दिल्ली की सरकार भी चाहती है कि गाड़ियां मीटर से चलें, लेकिन सरकार को फैसला तो सुनाना पड़ेगा, सरकार को ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि मीटर वाली गाड़ियां उनका सरकार को प्रचार भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिना प्रचार के जो है गाड़ियां नहीं चलेंगी, ठीक है ना, उन्हें सरकार को प्रचार करना पड़ेगा, मीटर वाली टैक्सियों के लिए आपको स्टैंड भी देने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि टैक्सियां जब बुक करता है आदमी तो सिर्फ ओला उबर रैपिडो इनके लिए भरोसे रहता है, ठीक है, मीटर से चलने वाली टैक्सी में आप 1000 प्रचार कर लो, बहुत सारे स्टिकर भी लगाए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन नहीं चली, सवारियां नहीं बैठती, जा साहब इधर आ जाओ, सवारियां नहीं बैठती उनमें, अब बताओ क्या करोगे जब सवारियां नहीं बैठेंगी तो? नई नई गाड़ियां हैं, लोग कैसे किस्त भरेंगे, कैसे किस्तें भरेंगे? अभी मंडे इन्होंने 15 तारीख तक का टाइम दिया था, 15 जुलाई का टाइम था, गाइडलाइन जो दे रखी थी इन्होंने दिल्ली सरकार ने, अब इन्होंने मंडे से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मंडे से धड़ाधड़ चलान होंगे, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, और चलान जो है 20 से 25 हजार का चलान है। इसमें देखो एक और आया अखबार की कटिंग आई है, इसमें दिखाऊं मैं आपको, दिल्ली में गैर लाइसेंस कैब कंपनियों पर एक्शन, 70 से ज्यादा वाहन जब्त, सोमवार से होगी कार्रवाई और तेज, यानी आज सोमवार हो चुका है, आज सोमवार है, आज कितनी तारीख है, 22 तारीख है, आज 22 जुलाई 2024 है, आज से इसमें बताया गया है कि सख्त कार्रवाई होगी, मीटर ये जो कॉपी है ये अखबार की कटिंग जो दिखाई जा रही है यहाँ पे, दिल्ली सरकार ने बिना लाइसेंस चल रही ऐप आधारित टैक्सी और डिलीवरी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, अब जो है कार्रवाई शुरू हो गई है जी भैया, लेकिन जी। सरकार को जो है मीटर से चलने वाली टैक्सियों का प्रचार करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ियां ये कहां जाएंगी, ये कहां जाएंगी? इनके लिए तो स्टैंड चाहिए ना, स्पेशल स्टैंड चाहिए, क्योंकि इनका तो ट्रैफिक वाले भी चालान कर देते हैं पॉइंट टू पॉइंट का, नहीं करते जा साहब, आपके पास भी कंपनी की गाड़ी है, बंजट गाड़ी है, इसका क्या होगा, इनका भी काम जो है सरकार को सोचना पड़ेगा, इनके लिए स्टैंड देने पड़ेंगे जगह जगह पर, और बिल्कुल प्रोवाइड कर दो ऐप से कंपनी, ऐप वाली जो कंपनियां हैं टैक्सियों पर चलान जो करते हैं, टैक्सियों को चलान मत करो, यही बात है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टैक्सियों से पहले कंपनियों का चलान करो, क्योंकि क्या करेगा, 20,000 की EMI है, 15,000 की EMI है, 18,000 चलता, अब ड्राइवर करे तो करे क्या, करे क्या? दोस्तों वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आज का जो वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी टैक्सी चालक भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खान साहब के कहने पर, खान साहब ने मुझे बताया स्पेशल, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की कानून व्यवस्था दिल्ली में हो गई है, इस तरीके के जो हमारे पास चालान की कॉपी आई हुई है ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है साहब। हाँ जी, हाँ जी।
क्या कहना चाहोगे इन कंपनियों के बारे में? नहीं, आप ड्राइवर का चलान मत करो ना, ड्राइवर की इसमें क्या गलती है? ड्राइवर तो अगर मान लो कोई भाई उसको तो रोजगार चाहिए ना। हाँ जी, आप भी कंपनी खोलो तो आप भी हम चलाएंगे। आप अपनी कंपनी खोलो, हम तो कहते दिल्ली सरकार, अगर आप दिल्ली नंबर हम टैक्स भर रहे हैं, दिल्ली गाड़ी चला रहे हैं हम। हाँ जी, फिटनेस परमिट करा रहे हैं हम, सारा कुछ भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं भाई। आप अपनी ऐप लॉन्च करो, आप सरकारी ऐप बनाओ, सरकारी ऐप चलाओ अभियान आज से ही शुरू कर देंगे हम, सरकारी ऐप बनाओ अभियान। ठीक है, आज से ही हम शुरू करते हैं सरकारी ऐप बनाओ अभियान, और जो चालान टैक्सियों के चालान हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, चालान नहीं होनी चाहिए, केवल कंपनियों के चालान करो, कंपनियों के चलाओ, क्योंकि हमारे टैक्सी चालक भाइयों के चालान तो करोगे जा साहब तो कहाँ जाएंगे है? जा साहब ने अभी गाड़ी खरीदी है 2 महीना पहले, क्या करेंगे जा साहब? हम लोग तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे ना, क्या होगा अगले एक महीने के, इस महीने के अंदर जुलाई से लेकर अगस्त तक सुसाइड करना चालू कर देंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा बताओ? ये सुसाइड करना चालू कर देंगे ड्राइवर। अब ड्राइवरों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, बिना 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 दिल्ली के आप कहीं चल सकते हो? दिल्ली में जो काम है वो उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी है, कहीं नहीं है। दिल्ली की गाड़ियां जहाँ 1.5 लाख गाड़ियां हैं दिल्ली की, वो जाएंगी कहाँ पे? दिल्ली की है, भारतीय अदर स्टेट की गाड़ी है, सारी जितनी भी टैक्सियां जा सब ऐप के थ्रू चल रही है, ऐप के ही भरोसे हैं। क्योंकि ऐप में ऐसा है, ये भैया कोई बड़ा लफड़ा लगा है, कोई उनकी रिश्वत नहीं गई होगी, अच्छा इसी की वजह से अभी अटैची चालू हो जाएगा, फिर प्रचार करेंगे वही ऐप को। हाँ जी, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार भी यही करा था, ऐसे ओला उबर दिल्ली में नहीं, जब हमने हड़ताल करी थी 2021 में खेल रहा था, ऐसा ही हुआ था, जब अटैची पहुंचने लगता है फिर प्रचार करने लगता। हाँ जी हाँ जी, पिछली बार जब हड़ताल हुई थी, नेता लोगों की यही काम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी से मुलाकात हुई थी पिछली बार हड़ताल में, ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कंपनियों के खिलाफ जो एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन ही रह गया। सर हम तो ये कहते हैं हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, हम तो ये कहते हैं सर आप क्या कंपनी जो कंपनियां जो प्रोवाइड करा रही है, हाँ। आप इन पे एक्शन लो। ड्राइवर का चलान करने से क्या हुआ? किसी आपने किसी एक ड्राइवर का चलान 20,000 का कर दिया, 15 साल आप इस चीज को सोचिए, अगर आपने किसी एक ड्राइवर का चलान कर दिया तो वो सुसाइड ही करेगा, और उसकी जिम्मेदारी होगी दिल्ली सरकार होगी, उसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार होगी। भाई हम तो इस चलान के व्याप पे बता रहे हैं कि टैक्सी बुकेट थ्रू मेरू ऐप एंड फेयर टू बी चार्ज विद आउट फेयर मीटर, तो ये क्या है कि मीटर से चलाओ केवल। अब भाई मीटर से चलाएंगे तो स्टैंड भी चाहिए, प्रचार भी चाहिए, आज से हम चालू करते हैं उसका अभियान चला रहे हैं जी, मीटर से चलो। आप हमें बुकिंग दो, बिल्कुल बाहर कमीशन दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, आपको कमीशन देंगे भाई, हमारा तो फायदा होगा, ड्राइवर भाइयों को फायदा होगा, क्यों नहीं होगा जी फायदा? सरकार को जाएगी, फायदा होगा, पैसा सरकार को ही फायदा होगा, ड्राइवर भाइयों को फायदा होगा, जो 30% 40% जो कंपनियां हमसे चार्ज वसूल रही हैं, आप लो ना, आप लो हमसे 5% 10% ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? 10% नहीं 20% लो, लेकिन हाँ? आप ही लो ना, क्यों ले रहे नहीं, बाहर के दिला रहे हो, वही तो आप अपनी सरकारी ऐप। हाँ सही कह रहे हो भाई राजा सिंह, सही कह रहे हो आप, जो प्राइवेट वाहन जो चल रहे हैं, प्राइवेट बाइक है जो चल रहे हैं, इन पर भी एक्शन होना चाहिए, प्राइवेट है ना जी, सारे चल रहे हैं, इन पर भी सबकी एंट्री जारी है, स्कूल में चल रहे हैं, बाईपास से चंडीगढ़ चल रहे हैं, हाँ। इन्होंने सारा हमारा रोजगार, अरे भैया आप यहाँ चले जाओ बाईपास पे, देख रहे हो ठीक है, हजारों गाड़ी लगी है, संजय गांधी सारा रोजगार इन्होंने हमारा खत्म कर दिया है, जितनी बाईपास से लोकल गाड़ियां चल रही हैं, पिछली हम सारी प्राइवेट गाड़ियां बाईपास से चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां सारी बुकिंग उठाती है, 400 रुपए 500 रुपए चंडीगढ़ जाते हैं, सारा इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया है, और सारी अनऑथराइज गाड़ियां चल रही है, विदाउट पेपर गाड़ियां चल रही है, एंट्री पे गाड़ियां चल रही है, सिर्फ बाईपास पे एंट्री 400 रुपए पर गाड़ी एंट्री है, और 50 से 60 गाड़ी बाईपास पे काम कर रहे हैं वो, और हमारे तो सर ऑलरेडी हमारे पेपर कम्प्लीट है, सारा कुछ कम्प्लीट है, उसके बाद हमारे साथ ये एक्शन किया जा रहा है, ये सर गलत है, तो इसका रिजल्ट जो होगा, अगर अभी आप हमारे साथ गलत करोगे तो इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में आपको दिखा दिया जाएगा। टैक्सियों को सवारी नहीं उठाने देते लोग प्राइवेट वाले, अभी इफ्को चौक पर चले जाओ आप, मतलब मैं जब टैक्सी में सवारी भर रहा था जी, एक दिन पुलिस वाला आया, 1 मिनट में चाबी निकाल ली थी, क्यों भर रहे हो सवारी यहाँ से, जबकि टैक्स दे रहे हैं, हरियाणा टैक्स दे रहे थे, रोड टैक्स दे रहे थे, राज्य टैक्स देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं, एमसीडी टैक्स भी देते हैं, हर तरीके का टैक्स देते हैं, जब भी हमारी गाड़ियों को सवारियां नहीं उठाने देते। अब मीटर से, अब उससे ऐप से नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे? क्या कहते हैं पता लगे होते हैं तो वो देते हफ्ता, और हफ्ता देके उनसे कोई कुछ नहीं बोलता, वो एक गाड़ी में कम से कम 20 से 25 सवारी भर लेते हैं, और हमारी गाड़ी पे 4 से अगर 5वां बच्चा भी बैठ गया उस पर भी हमारी गाड़ी का चलान कर दिया जाता है। हाँ जी, तो ये सर ये गलत है ना, ये इको वालों प्राइवेट जो इको है उनमें 15-15, 16-16 सवारी जाती है, 5 सीटर इको में, 5 सीटर इको, ठीक है ना जी, उनसे कोई कुछ नहीं, पेपर उनके कम्प्लीट नहीं है, आप किसी भी गाड़ी के चेक कर लो, किसी गाड़ी के पेपर कम्प्लीट नहीं मिले, किसी का इंश्योरेंस नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का पिछली बार 2021 में हम गए थे जी संदेगानी ट्रांसपोर्ट नगर के पास में जो गाड़ियां लगती है, ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे जब हम गए थे उस टाइम पे उनका अभियान चलाने के लिए, प्राइवेट गाड़ियां बंद करो,
तो ट्रैफिक वालों की वहीं पर बूथ बना हुआ है। ठीक है जी, उन्होंने जब हम पहुंचे थे उस टाइम पे भगा दी, वीडियो भी है मेरे पास उस टाइम की। ठीक है, एसआई की भी वीडियो है, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा था हम नहीं लगने देते, लेकिन आज भी वहाँ पहुंचोगे फिर दोबारा से वही हाल है। लेकिन आज दोबारा जाओगे फिर दोबारा वही हाल है वहाँ पे। आज भी वहाँ हजारों गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, प्राइवेट नंबर, बसों में सवारियाँ नहीं बैठती हैं, बसों में नहीं, टैक्सी में सवारियाँ नहीं बैठती, वहाँ इनोवा, क्रिस्टा, डिजायर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ लगी होती हैं, उनमें सवारी जाती है ज्यादा, उनमें सवारी जाती है, लेकिन हमारी टैक्सियों में सवारी नहीं जाती। ठीक है ना जी, दोस्तों सपोर्ट करो, राजीव कुमार भाई धन्यवाद, आप हमारी सपोर्ट में हो, बिल्कुल सपोर्ट करोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो इसी तरीके से जिसमें अब ये जो चालान दिखाया मैंने, इस तरीके से चालान जो है होते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपको सपोर्ट करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे हम, जो है ज्ञापन भी देंगे, ज्ञापन के लिए भी बात करते हैं, मीटिंग रखते हैं, जो है इस तरीके का जो अभियान चलाया गया है, हमारे टैक्सी ड्राइवर भाइयों को सताया जा रहा है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चालान करना है कंपनियों का करो, कंपनी का, ठीक है ना जी। हाँ, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सभी चालक भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए। यहीं पे कर रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय चालक।